प्रकाश संश्लेषण शायद सबसे अधिक आसानी से समझे जाने वाली जैविक प्रक्रियाओं में से एक है। पौधे सूर्य से प्रकाश ऊर्जा ग्रहण करते हैं और इसका उपयोग जल, कार्बन डाइऑक्साइड और मिट्टी के पोषक तत्वों के साथ मिलकर अपनी ग्रोथ के लिए करते हैं। अब प्लांट एंड फूड रिसर्च के वैज्ञानिक इस सरल सिद्धांत एवं ऑर्चर्ड प्रोडक्शन सिस्टम की अपनी विशेषज्ञता का प्रयोग न्यूजीलैंड में पहले से ही अत्यधिक प्रोडक्शन वातावरण में स्थापित सेब के ऑर्चर्ड में परीक्षण करने के लिए कर रहे हैं, जिससे कि सेब उत्पादन को और ज्यादा किए जाने की संभावनाएं तलाशी जा रही है, जैसा कि प्रमुख वैज्ञानिक स्टुअर्ट टस्टिन बता रहे हैं। यह बौने रूट स्टॉक्स पर तैयार आधुनिक सघन ऑर्चर्ड का एक उदाहरण है। ऑर्चर्ड उत्पादन के लिए हम इसे अपने बेस्ट प्रैक्टिसेस के रूप में उपयोग करते हैं। आज इन सघन बागों में हमारे अच्छे फल उत्पादक बागवानों की एवरेज प्रोडक्शन लगभग 80 से 100 टन प्रति हेक्टेयर है। न्यूजीलैंड में हमारे पास इन हाई डेंसिटी ऑर्चर्ड में कार्य करने का लगभग 20 वर्षों का अनुभव है और अंतर्राष्ट्रीय बेंचमार्किंग हमें बताती है कि हमारे ये ऑर्चर्ड दुनिया में सबसे अधिक उत्पादक क्षमता वाले ऑर्चर्ड हैं। इसलिए वैज्ञानिक प्रश्न वास्तव में यह है कि उत्पादकता को स्पष्ट रूप से उच्चतर करने में सक्षम होने के लिए, या दूसरे शब्दों में उत्पादन को और ज्यादा बढ़ाने के लिए हमें क्या करने की आवश्यकता है, और क्या यह वास्तव में ऑर्चर्ड सिस्टम को बदलकर कर पाना संभव है। अब हम एक नए प्रोटोटाइप ऑर्चर्ड सिस्टम में खड़े हैं, जिसमें हम पारंपरिक हाई डेंसिटी ऑर्चर्ड की तुलना में उत्पादकता को 2 गुना तक बढ़ाने की संभावना तलाश रहे हैं। इस प्रोटोटाइप में हमने पौधों की पंक्तियों को एक साथ और अधिक करीब लाया है और हम पौधे का आकार इस प्रकार रिडिजाइन कर रहे हैं, जिससे कि पौधे की कैनोपी बहुत लंबी, पतली एवं योजनाकार बनी रहे, जिसमें बहुत कम छाया का क्षेत्र रहे और हाई लीफ एरिया होने की वजह से सूर्य के प्रकाश का अधिक से अधिक दोहन हो सके। हम इस पेड़ में पहले वर्ष में बगीचे में उस संरचना की शुरुआत देख सकते हैं, जिसे हम विकसित करने की कोशिश कर रहे हैं। हम एक बहुत ही सरल पेड़ चाहते हैं, जो इन सिंपल वर्टिकल शूट्स के साथ सिर्फ एक वर्टिकल दिशा में बढ़े, और जब ये पेड़ पूर्ण विकसित होंगे तो उनकी कोई शाखा नहीं होगी। उन पेड़ों में केवल फ्रूटिंग बड के कॉलम होंगे, जिनमें अधिकतर लीफ एरिया सूर्य प्रकाश के संपर्क में होगा। इस तरह हम सोचते हैं कि हम उच्च स्तर के प्रकाश अवरोधन को प्राप्त कर सकते हैं, जिसकी हमें आवश्यकता है, और साथ ही इससे फलों को बहुत अधिक सूर्य प्रकाश मिल पाएगा, जो उच्च फल गुणवत्ता विकसित करने का एक अनिवार्य एवं महत्वपूर्ण पहलू है। वैज्ञानिक रूप से ऐसे कई प्रश्न हैं, जिनका हमें इस अध्ययन के साथ उत्तर देने की आवश्यकता है, लेकिन हम जिस गोल को प्राप्त करना चाह रहे हैं वह है उपलब्ध सनलाइट के 90% प्रकाश का दोहन कर न्यूजीलैंड में हमारे बागों की उत्पादकता को 180 से 200 टन प्रति हेक्टेयर के आसपास की सीमा तक बढ़ाना। बड़ा सवाल यह भी है कि क्या हम वास्तव में एक ऐसी कैनोपी डिजाइन कर सकते हैं, जो हमें सनलाइट का वो स्तर दे सके एवं फलों की गुणवत्ता, शेल्फ लाइफ बनाए रखने की अन्य जरूरतों को भी पूरा कर सके। इसके अलावा निश्चित रूप से हमें यह भी समझने की जरूरत है कि यह विभिन्न सेब की किस्मों में कैसे संभव किया जा सकता है।